हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अकाउंट्स योर सॉल्यूशन में। आज का जो अपना टॉपिक है, राजेंद्र वलीचा अपने सब्सक्राइबर है, इनका कमेंट आया था कि सर बीजी सॉफ्टवेयर में कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे रिसिप्ट रजिस्टर पार्टी वाइज देखा जा सके, तो इस पर मैंने वीडियो बनाया है। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और आपकी जो भी समस्या है वो शेयर कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, आप लोग जो वीडियो देखते हो जिनमें से 21.10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बाकी 78.90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो ये लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप चाहते हो आपने जो भी रिसिप्ट जो चढ़ाई है उसको कैसे देख सकते हो आप पार्टी वाइज, तो फर्स्ट आपको ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है और रिसिप्ट पे आपको क्लिक करना है, और इसके बाद जो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऐड मॉडिफाई लिस्ट, लिस्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लिस्ट पे क्लिक करोगे तो स्क्रीन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट करनी है और ये जो वाउचर 1 to 100 जो लिखा हुआ है इस पर मैंने एक रिसिप्ट बना रखी है 1 to 100। जैसे ही आप आज की डेट में आपने 10 रसीदें चढ़ा दिए तो अगली जो रिसिप्ट नंबर जो आएगा वो 11 आएगा, उसके बाद 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, इस तरीके से आएगा। तो ये अगर आप नहीं जानते हो तो ये भी मैं आपके लिए बता दूंगा कि ये रिसिप्ट नंबर किस तरीके से बनाया जाता है, कि जैसे आप किसी भी पार्टी का अगर रिसिप्ट आप चढ़ाते हो तो आपको केवल पार्टी का नाम डेट एंटर करना है, रिसिप्ट नंबर ऑटोमेटिक सिस्टम ले लेगा। तो इसकी मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है तो ये भी मैं आपके लिए बता दूंगा। जैसे आप यहाँ पे डेट एंटर करोगे, फर्स्ट डेट से लास्ट डेट मैंने डेट एंटर कर दी है और इसके बाद यहाँ से आपको कर देना है F2। जैसे आप F2 करोगे तो आपके सामने रिसिप्ट में जितनी भी रिसिप्ट चढ़ा रखी है तो ये मेरे सामने शो हो चुकी है। आप देख सकते हो कि मेरे पास टोटल 22 रिसिप्ट चढ़ी हुई है। आपका जो कमेंट था कि हम पार्टी वाइज इसको कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको F5 आपको प्रेस करना है। जैसे आप F5 प्रेस करोगे तो यहाँ पे सिंगल एंड डबल लेवल, सिंगल लेवल एंड डबल लेवल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले मैं सिंगल लेवल पे आपके लिए बता देता हूँ, सिंगल लेवल में ही आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंगल लेवल सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको कर देना है समराइज पे क्लिक। जैसे ही आप समराइज पे क्लिक करोगे तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट पार्टी है यानी रिसिप्ट, टोटल आपका जो है 7 पार्टीज है, लेकिन इसमें जैसे आप चेक करोगे तो राजस्थान मोबाइल जो पार्टी है आपकी, राजस्थान मोबाइल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो राजस्थान मोबाइल ने आपके लिए जब भी पैसे दिए हैं उसकी डिटेल आप चेक कर सकते हो कि ये जो 8 तारीख को रिसिप्ट नंबर 2 में दिया था पैसा 9800 रुपये और 8 तारीख को रिसिप्ट नंबर 3 में 9800 रुपये का पेमेंट दिया है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, इस पर जैसे डबल क्लिक करोगे तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि इस पार्टी ने आपके लिए 3 बार पेमेंट दिया है और टोटल पेमेंट कितना दिया है 29,500 रुपये। अगर आप चाहते हो इसको प्रिंट निकालना, जैसे आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हो तो आप जो भी आपका नॉर्मल तरीका है प्रिंट निकालने का वो पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ कि जैसे ही आप F5 प्रेस करोगे और यहाँ से जैसे समराइज पे क्लिक कर लोगे तो इस तरीके से आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगी और इसके बाद जो भी आप प्रिंट निकालते हो तो यहाँ से अल्ट और पी करते हो। पी करने के बाद जैसे आप, ज़्यादातर लोग इसी तरीके से निकालते हैं और यहाँ पे जैसे प्रीव्यू पे मैं एक बार क्लिक करके आपके लिए बता देता हूँ कि ये रिपोर्ट जो आपकी आ रही है इस तरीके से आ रही है। लेकिन आप क्या चाहते हो कि मेरे पास जो रिपोर्ट आएगी ओनली मुझे 1 पर्सन की रिपोर्ट देखनी है और वो भी उसी की डिटेल आनी चाहिए, तो ये सिस्टम मैं आपके लिए बता देता हूँ कि ये कैसे देख सकते हो कि जैसे आपकी जो पार्टी है राजस्थान मोबाइल सेल्स, अब इसकी आप डिटेल देखना चाहते हो और इसी का आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो ये आप कैसे निकाल सकते हो,
ये सिस्टम मैं आपके लिए बताऊंगा, ये आपके लिए किसी ने भी नहीं बताया होगा कि आप जैसे इस पार्टी का अगर आप सेलेक्ट करते हो, इसी पार्टी का आपको डिटेल निकालना है, राजस्थान मोबाइल सेल्स, इस पे आपको यहाँ पे शिफ्ट क्लिक करना है और यहाँ पे जो डाउन एरो है वो क्लिक करना है और ये आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे आपको प्रिंट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फ्रॉम बीजी पे क्लिक नहीं करना है, यस इट इज फ्रॉम ग्रिड पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक जो ऑप्शन है प्रिंट सेलेक्ट एंट्रीज ओनली, यानी आपने जो सेलेक्ट किया है वही प्रिंट होगा, इसके अलावा इसमें और कोई प्रिंट नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है। ये फंक्शन आपके लिए किसी ने भी नहीं बताया होगा और ये फंक्शन के द्वारा आप आपके जो भी डेटा है जिसको आप सेलेक्ट करोगे वही आप प्रिंट कर सकते हो, इसके अलावा और कोई भी प्रिंट डेटा प्रिंट नहीं होगा, तो ये आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से करना है आपको ओके। ओके आप जैसे ही करोगे तो यहाँ पे मैं एक बार प्रीव्यू आपके लिए दिखा देता हूँ कि मैंने जिस पार्टी का नाम सेलेक्ट किया था उसी का ये डेटा इसमें आया है। पहले मैंने जो सेलेक्ट किया था उसमें पूरी डिटेल्स मेरे सामने आ गई थी, लेकिन उसमें भी डेट वाइज आ रही थी, उसमें पार्टी वाइज नहीं आ रही थी। अगर आप चाहते हो कि पार्टी वाइज ऐसे सभी की लिस्ट देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऑटो समराइज पे और यहाँ पे करना है आपको सब टोटल डिटेल्स पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इस तरीके से चेक कर सकते हो और यहाँ पे आपको अल्ट और पी आपको करना है और इसके बाद कर देना है आपको ओके। ओके आप जैसे ही करते हो तो यहाँ पे आप डिटेल देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो भी पार्टी है यानी राजस्थान मोबाइल के टोटल जो पेमेंट आया है 53,000 रुपये आया है, गोचर किराना स्टोर के 29,600 रुपये आए हैं डेट के हिसाब से, इसका रिसिप्ट नंबर लिखा हुआ है और इसका टोटल जो अमाउंट लिखा हुआ है, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, ऐसे प्रिंट निकाल सकते हो। जैसे मेरे पास जो भी पार्टी का जिस जो पेमेंट आया है आप देख पा रहे हो कि इसमें इसमें जो कमेंट आया था रिसिप्ट रजिस्टर्ड पार्टी वाइज, आप इसको एक तरीके से रजिस्टर्ड ही मान सकते हो कि पार्टी वाइज और रिसिप्ट वाइज। गौरव मोबाइल शॉप जो पार्टी है इसका जो भी पेमेंट आया है 57,410 रुपये और इसकी आप डिटेल इस तरीके से चेक कर सकते हो। अगर आप इसको लैंडस्केप में चाहते हो तो लैंडस्केप में भी आप चेक कर सकते हो, लैंडस्केप में भी आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगी। ये जो वाउचर नंबर जो लिखा हुआ है, आप नहीं चाहते कि मेरे पास ये वाउचर नंबर लिखा हुआ है तो आप इसको हटा सकते हो। इसको आपको कैसे हटाना है, यहाँ पे आपको टिक मार्क हटाना है और टिक मार्क हटा के यहाँ से आपको कर देना है ओके। ओके आप जैसे करोगे तो यहाँ प्रिंट प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगे तो अब इसमें ओनली डेट, पार्टी का नाम एंड अमाउंट ये सारी चीज़ें शो हो रही है। तो आप इस तरीके से जो भी कोई कॉलम आपको हटाना है, यानी अगर आप चाहते हो कि मुझे डेट का कॉलम नहीं चाहिए या फिर आपका कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो रहा है, अगर आप इस फॉर्मेट में आप प्रिंट निकालते हो कभी भी, आप कहीं पे भी जैसे अगर प्रिंट निकालते हो, आपने कोई भी डेटा आपने सेलेक्ट कर लिया है और आप चाहते हो कि मुझे इसमें जो डेटा प्रिंट निकालना है मुझे केवल यही डेटा निकालना है, तो आप यहाँ से जो भी आपका सेलेक्टेड डेटा प्रिंट निकालना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया है, जितना आप सेलेक्ट करोगे उतना ही प्रिंट आउट निकाल सकते हो। इस ऑप्शन का आप जरूर उपयोग करें, इसकी आवश्यकता आपको जरूर पड़ती होगी। तो यहाँ से आपको एस इट फ्रॉम ग्रेड पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से अगर आप चाहते हो कि आपका डेट यहाँ से हटाना चाहते हो, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा कोई ऑप्शन आ रहा है उसको आप हटाना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको टिक मार्क हटा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इसको दोनों को हटा दिया है, इसको एक बार मैं आपके लिए चेक करके बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके कर देने के बाद जैसे प्रीव्यू पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेट का ऑप्शन जो आ रहा था वो हट चुका है, इसमें पार्टी नेम
एंड इसका अमाउंट, दो ही चीज़ें आपके सामने शो हो रही है, तो इस तरीके से आप हटा सकते हो। एक बार आप और भी देख लीजिए कि यहाँ से आपको शिफ्ट पे क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ से आपका जो डाउन एरो है बूस्ट पे आपको एंटर करना है, और यहाँ से जहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है, जहाँ तक आपको प्रिंट आउट निकालना है, इसके बाद आपको प्रिंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एस इट फ्रॉम ग्रिड पे आपको क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पे जरूर चेक करना है आप सेलेक्टेड एंट्रियाँ, अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो यहाँ पे आपको इस पे टिक मार करना है, प्रिंट सेलेक्टेड एंट्री ओनली, यानी आपने जो भी सेलेक्ट किया है उसी का ही प्रिंट आउट निकलेगा। इस रिपोर्ट में जो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, आप कहीं पे भी कोई सी भी रिपोर्ट आप निकालना चाहते हो प्रिंट आउट, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप सेलेक्ट करोगे वही आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद कर दिया है मैंने ओके। ओके करने के बाद जैसे मैं प्रिंट प्रीव्यू आपके लिए दिखा देता हूँ, तो इस तरीके से आप प्रिंट निकाल सकते हो और चेक कर सकते हो। फर्स्ट आपने चेक कर लिया है, दूसरा एक और ऑप्शन मैं आपके लिए बता देता हूँ कि इसका जो दूसरा जो ऑप्शन है, आप डिस्प्ले पे आपको क्लिक करना है, इसके बाद अकाउंट बुक्स पे आपको क्लिक करना है, इसके बाद आपको अकाउंट रजिस्टर्ड स्टैंडर्ड पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रिसिप्ट रजिस्टर्ड, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपने जो वो फंक्शन आपने के लिए मैंने बताया था सेम यही है, वहाँ पर भी यही शो होता है आपके लिए और यहाँ पे भी यही शो होगा। तो आप यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हो कि जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके सामने रिपोर्ट सामने आएगी, और यहाँ से FI आपको प्रेस करना है और इसके बाद कर देना है आपको अकाउंट्स, सिंगल लेवल आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अकाउंट्स पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे कर देना है आपको ऑटो समरी एंड समराइज पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह की रिपोर्ट यहाँ पे भी आप निकाल सकते हो और चेक कर सकते हो। और इसमें क्या है, एक बार जैसे आप सिंगल लेवल आपने सेलेक्ट कर लिया है, ऑटो समराइज आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो आप जब भी आप रिपोर्ट निकालोगे, यानी आप जैसे एंटर करोगे, एंटर करने के बाद ये ऑटोमेटिक समराइज पे आएगा, ये आपने फॉर्मेट लगा दिया है तो ये ऑटोमेटिक समराइज पे आएगा और यहाँ से आप रिपोर्ट चेक कर सकते हो। दूसरा जो मैंने आपके लिए बताया था कि आप रिसिप्ट नंबर कैसे ऐड कर सकते हो, कि रिसिप्ट अगर मैं किसी भी पार्टी की अगर रिसिप्ट चढ़ाता हूँ तो मेरे सामने जो 1 से और 100 तक की जो रसीद है, जैसे ही मैंने वाउचर सीरीज पे एंटर किया, एंटर करने के बाद ये यहाँ से ऑटोमेटिक, जैसे मैंने डेट एंटर करी 17/5 डेट मैंने एंटर कर ली है, तो ऑटोमेटिक ये वाउचर नंबर आ चुका है। और अगर आप भी बनाना चाहते हो तो आपके लिए मैं बता देता हूँ कि कैसे इसको बनाया जाता है। आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है, और इसके बाद आपको वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रिसिप्ट पे एंटर करना है। अगर आप चाहते हो जैसे 1 to 100 आपने बना दी है, अगर आप चाहते हो कि 101 से 200 तक की नई रिसिप्ट आप बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे एड न्यू पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे 101 to 200 आपने क्लिक कर दिया है, इसके बाद कर देना है इसको सेव। सेव आप जैसे क्लिक करोगे, अब इस पे रिसिप्ट पे आपको डबल क्लिक करना है, यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन 101 से 200 तक, यहाँ पे वाउचर नंबरिंग पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कर देना है आपको ऑटोमेटिक और एंटर एंटर। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है स्टार्टिंग नंबर जो आपका है 101, और यहाँ पे एंड जो ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई एंडिंग नंबर, यहाँ पे आपको वाई करना है। वाई करने के बाद आप चाहते हो कि आपकी जो रिसिप्ट है 101 से और 200 तक, आपने एंटर कर दिया है, इसके बाद कर देना है आपको ओके। ओके आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। अब आपकी दूसरी जो रिसिप्ट है वो भी बन के तैयार हो चुकी है। अब जैसे ही आप, आपकी जो भी रिसिप्ट नंबर चल रही है, आप यहाँ पे एंटर करोगे, ऐड करोगे, ऐड करने के बाद जैसे ही आप इस पे एंटर करोगे तो यहाँ 101 से आपकी रिसिप्ट नंबर स्टार्ट हो जाएगा और आप इसकी एंट्री कर सकते हो। जैसे आप इस तरीके से अगर रिसिप्ट नंबर एंट्री कर लेते हो, आप गलती से भी किसी भी रिसिप्ट को डिलीट कर देते हो, यानी जो मैंने एंट्रियाँ कर रखी है, इन एंट्रियों में से मैं ये जो 10 नंबर की जो रिसिप्ट है इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, यानी F8 से मैंने डिलीट कर दी है। अगर आप
नंबर के हिसाब से आप चढ़ाओगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी कौन सी रिसिप्ट डिलीट हो चुकी है। मैंने उस एंट्री को डिलीट कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी एक से और जो मैंने रिसिप्ट जो चढ़ा रखी थी दोस्तों, वो रिसिप्ट मैंने जो डिलीट करी थी, अभी जो 10 नंबर की रिसिप्ट मैंने डिलीट करी थी, अब उसको आप कैसे चेक कर सकते हो? अगर आप 1 से 100 आपने रिसिप्ट नंबर बना ली है, उसके बाद आप गलती से भी किसी भी रिसिप्ट को डिलीट कर देते हो, तो आप 1 to 100 में आप चेक कर सकते हो कि आपने कौन सी रिसिप्ट डिलीट कर दी है। तो उसको चेक करने के लिए आपको डिस्प्ले पे एंटर करना है, यहाँ पे आपको एंटर करना है, चेक लिस्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, वाउचर नंबरिंग रिपोर्ट्स, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपको चेक करना है मिसिंग वाउचर नोट, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो किस में आप चेक करना चाहते हो? रिसिप्ट में, रिसिप्ट आपको सेलेक्ट करनी है। और कौन सी वाली नंबर से आप चेक करना चाहते हो? कि जैसे आप ऑल सेलेक्ट करोगे तो ऑल सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से मुझे चेक करना है 1 to 100 वाली रिसिप्ट में मेरी कौन सी रिसिप्ट डिलीट हो चुकी है, तो यहाँ से मुझे सेलेक्ट करना है। इसके बाद मुझे एंटर एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपके सामने रिसिप्ट नंबर शो हो रहा है कि आपने 10 नंबर की जो रिसिप्ट है वो डिलीट कर दी है, यानी मिसिंग है आपके डेटा में से। और यहाँ पे शो हो रहा है कि 9 and 11, यानी 10 नंबर की रिसिप्ट आपने डिलीट कर दी है। इसके बाद अगर आप किसी रिसिप्ट को कैंसिल करते हो तो यहाँ से उसको चेक कर सकते हो कि आपने कौन सी रिसिप्ट को कैंसिल किया है। तो कैंसिल का भी मैं आपके लिए बता देता हूँ कि मैंने केस का लेजर खोला, इसमें मैंने कोई सी भी रिसिप्ट यहाँ से रिसिप्ट सेलेक्ट करी, और इसमें एक जो ऑप्शन है कैंसिल का, इसका जो शॉर्टकट है Ctrl+X, Ctrl+X जैसे आप करोगे, अगर आप किसी भी रिसिप्ट को कैंसिल कर देते हो, जैसे इसका जो कैंसिल करने का जो है, इसका जो कैंसिल करने का जो शॉर्टकट है Alt+X आप करते हो, तो ये रिसिप्ट कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल, और ये कर दिया मैंने इसको ओके। ओके जैसे मैंने कर दिया है, अब आपके लिए चेक करके मैं बताऊँगा कि मैंने कौन सी रिसिप्ट कैंसिल करी है। जैसे आपको यहाँ पे कैंसल वाउचर नोट पे आपको क्लिक करना है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको किस में चेक करना है? रिसिप्ट में, कि आपने कौन सी रिसिप्ट कैंसिल करी है, एंटर करना है। कौन सी रिसिप्ट में से आप चेक करना चाहते हो? 1 to 100 में से। जैसे आप इसको क्लिक करोगे और यहाँ से F2 आप जैसे ही करोगे तो आपके सामने जो आपने कैंसिल करी है उस रिसिप्ट की डिटेल आपके सामने आ जाएगी, कि 11/5 की जो रिसिप्ट है और 11 नंबर की जो रिसिप्ट है जो आपने कैंसिल कर दी है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि आपकी कौन सी रिसिप्ट डिलीट हो चुकी है या कौन सी रिसिप्ट आपने कैंसिल कर दी है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि आपकी कौन सी रिसिप्ट डिलीट हुई है या फिर कौन सी रिसिप्ट आपकी कैंसिल करी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।